पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो बहुत कॉमनली आजकल हर किसी में, यंग लड़की में देखा जाता है, उसको PCOD के नाम से भी लोग जानते हैं। और बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, PCOD क्या है, क्यों है, कैसे ठीक होगा, मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सारे कंफ्यूजन्स आजकल बहुत है, क्योंकि बहुत यंग जनरेशन में ये स्टार्ट हो जाता है। एक बार आपके पीरियड शुरू हो गए, उसके बाद आप एक फर्टाइल इंसान हो, तो आपकी ओवरी जो है उसके अंदर सिस्ट बनना शुरू हो सकता है। तो क्या रीजन है कि ये सिस्ट बनते हैं और क्या हम इसके बारे में कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। मैं पहले ये बताऊँगी कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है सिस्ट इन द ओवरी, बट दैट इज़ नॉट इवन द रियल प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज ऑफ दैट सिस्ट यू आर गेटिंग समथिंग कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्री डायबिटीज। नाउ दिस हैज टू बी ट्रीटेड नाउ, बिकॉज अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये हो जाएगी डायबिटीज में कन्वर्ट, आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको और भी ऑटो इम्यून बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। तो PCOD को कैसे आप रिकग्नाइज करोगे? आपके घर में लड़की है, या आप खुद PCOD के मरीज हो, एक औरत हो, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, या आपकी लड़की है, यंग है, पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए, एक दो साल में वेट गेन शुरू हो गया है, मुंह पे बाल आने शुरू हो गए हैं, एक्ने शुरू हो गया है, और हेयर फॉल भी आता है, तो आपको ये बड़े रेड फ्लैग्स हैं। आपको इमीडिएटली यू शुड गो टू अ डॉक्टर। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, चाहे गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, चाहे आप एक मेटाबॉलिक एक्सपर्ट के पास जाइए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाइए, और फटाफट से टेस्ट कराइए कि क्या हो रहा है। और ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर से। सी, मेडिकेशंस होती हैं PCOD के लिए, लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन PCOD इज नंबर वन ट्रीटमेंट। यू हैव टू एक्सरसाइज, नो एक्सक्यूजेस। You have to change the way you eat. You cannot go out and eat processed food. आप breads, pasta, pizza, noodles, और ये cakes, pastries ऐसे इतनी जल्दी जल्दी नहीं खा सकोगे। आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा। आपको अपने लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ें हेल्दी नहीं है, उनको फ्रूट्स खिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए। बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, उनको वेजिटेबल पनीर और आलू लगता है। वेरी रॉन्ग। यू हैव टू टीच योर गर्ल्स, यू हैव टू टीच देम हाउ टू ईट प्रॉपर फूड, बिकॉज जो यंग लड़की है, जो बड़ी हो रही है, वो आगे जाके हमारे नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देगी। तो आपको उसको सिखाना चाहिए कि कैसे खाना है, और क्योंकि प्रॉब्लम ही यंग जनरेशन की ज़्यादा है PCOD रादर देन ओल्डर पीपल। सो आप, दिस इज़ अ टाइम व्हेन दीज गर्ल्स नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, दे नीड टू लर्न हाउ टू स्टार्ट ईटिंग वेल, एंड दे देन ऑल्सो आर ट्रीटेड विद मेडिकेशंस विच आर ऑल्सो फॉर फर्टिलिटी एज वेल। तो अगर यंग लेडी है, शी इज़ अबाउट 21, शी इज जस्ट रिसेंटली मैरिड, देर इज़ नो चाइल्ड हैपनिंग, इनफर्टिलिटी हो गई है, PCOD का चेक ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। कि मेरा ही 1 in 5 पेशेंट इज़ PCOD पेशेंट। सो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत सारे सवाल होंगे मन में, बहुत सारी चीज़ें हैं, सुनते हैं हम लोगों से कि ये है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इधर उधर ना देखकर अपना सवाल टाइप करिए और मुझे भेजिए, जल्द से जल्द आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।